चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम बोल रहे हैं संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, पूरी सरकार निवेदन कर रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, कोरोना मरीजों के इलाज और इसको रोकने के लिए कार्य योजना सरकार बना रही है। वहीं डेल्टा के नए मामले पर कहा कि विश्वास सारंग ने कहा कि डेल्टा प्लस को लेकर सरकार सतर्क है। वैक्सीन की कमी पर भी उन्होंने कहा कि पूरे देश में केंद्र सरकार वैक्सीन की आपूर्ति करा रही है, जनता जागरूक हुई है वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वैक्सीन को लेकर भ्रामक जानकारियां फैलाई है, नपुंसकता बछड़े का सिरम, लोग मर जाएंगे जैसी जानकारी फैलाई है। वहीं नर्स हड़ताल पर बोले कि नर्स एसोसिएशन से बातचीत चल रही है। कमलनाथ के नेमावर दौरे पर सारंग ने कहा कि लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस का सबसे बड़ा काम है। कमलनाथ को वो समय याद नहीं जब सीएम थे और उनके बंगले से कुछ दूरी पर ही बच्चियों के साथ रेप हुआ था, वो बंगले से बाहर नहीं निकले थे। हमारी सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, फिर कमलनाथ नेमावर क्यों जा रहे हैं सिर्फ राजनीति करने के लिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर दिग्गी के ट्वीट पर बोले कि दिग्विजय सिंह की इतनी हैसियत नहीं कि वो संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ ट्वीट करें। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की इतनी हैसियत ही नहीं है कि परम पूज्य सर संघ चालक जी के ट्वीट पर वो टिप्पणी कर सके। परम पूज्य सर संघ चालक जी ने हिंदू संस्कृति, हिंदू दर्शन और हिंदुस्तान की व्याख्या की है। अब ऐसे लोग जो ना हिंदुस्तान को जानते हैं ना हिंदू संस्कृति हिंदू दर्शन को का ज्ञान रखते हैं, ऐसे अज्ञानी बिना किसी समझ के ऐसे ही गलत टिप्पणी करेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निश्चित रूप से वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है थर्ड वेव को रोकने का, और यदि हम थर्ड वेव को रोकने की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा वैक्सीनेशन है। और इसीलिए आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक आंदोलन के रूप में हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया। इस देश में तथाकथित कांग्रेस के नेताओं ने और तथाकथित विपक्ष के नेताओं ने जो विघ्न संतोषी हैं उन्होंने लगातार वैक्सीन के मामले में अफवाह फैलाई। कभी वैक्सीन से लोग मर जाएंगे ये कहा, कभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वैक्सीन से इम्पोर्टेंसी नपुंसकता हो सकती है, कभी ये कहा कि वैक्सीन में गाय के बछड़े का खून मिलाया गया है। परंतु उन सब अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निशुल्क वैक्सीनेशन के उपहार को स्वीकार किया, और जिस योजना के तहत और जिस जन आंदोलन बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया उसको भी शिरोधार्य किया। और निश्चित रूप से हम यदि सभी लोग वैक्सीनेट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगती है, तो संक्रमण फैलने की जो रफ्तार है वो भी ख़त्म होगी और संक्रमण भी समाप्त होगा और हम थर्ड वेव से बचेंगे।